हेलो हेलो गाइस, कैसे हो? क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। आप सब ने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई होगी दोस्तों। आप सब, मुझे पक्का उम्मीद लगता है, बहुत अच्छे से मनाए होंगे। बहुत अच्छे से बिहारी जी आप सबके ऊपर कृपा बनाएंगे। और ये देखिए माँ के चरणों का नज़ारा, माँ गंगा कितनी कम हो चुकी हैं, बहुत प्यारा लग रहा है नज़ारा। देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और यहाँ ये देखिए रेता है, रेता रेता हो चुका है। और ये लेकिन रेता में पैर धंस रहा है। ये देख कमल इसमें विराजमान हो रखे हैं। कमल जो है किसी ने पूजा किया तो कमल अभी हरा भरा हो रखा है। ये देखिए माँ गंगे का नज़ारा, फिर भी बहुत कम नहीं लग रही हैं, लेकिन बहुत लग रही हैं फिर भी थोड़ा सा, लेकिन कम हो चुकी हैं क्योंकि बारिश हुई थी भी 3-4 दिन पहले, तो बहुत ऊपर आ चुकी थी। और मंदिर तो 2 सीढ़ी बची थी डूबने के लिए भोलेनाथ का, पर ये कि जो है बारिश 2-3 दिन से तो कम हो गई है, नहीं हो रही है, तो जल कम हो चुका है दोस्तों। तो देखिए दर्शन करिए, माँ गंगा का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है, पावन नज़ारा है। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए जंगल का तो हरा भरा नज़ारा दिख ही रहा है आप सबको, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। तो आप सब देखिए कितना प्यारा लग रहा ना। चलिए मैं आप सबको दर्शन करा रही हूँ। और बीच धार में कितनी बह रही है माँ गंगे, कितना नज़ारा अच्छा तो है, पर बहाव बहुत तेज है, नहाने लायक नहीं है। चलिए ये देखिए बहुत सुहाना मौसम हो चुका है, धूप तो कड़ी है लेकिन ये है कि फिर भी सुहाना मौसम तो लग ही रहा है। यहाँ पर ठंडा है ना, जल का किनारा है तो ठंडा लग रहा है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप सभी को हर हर गंगे, हर हर महादेव। तब तक के लिए जय माँ गंगे।